आगे पढ़ेंगे लोग वॉइस का कंटिन्यूअस पार्ट, कौन सा कंटिन्यूअस पार्ट, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस ही बनता है, ठीक है। यस सर। कंटिन्यूअस एक प्रेजेंट मिलेगा लेंगे, ठीक है, और सेकंड पास्ट, पास्ट का कि पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं दोनों का कैसा बनता है। तो प्रेजेंट में जब इज एम आर वाला है, एनजी वाला था, इज एम आर, इसको पढ़ा दिया एनजी वाला, यस सर, आज सेम वाज वर्ब था एनजी के साथ, यस सर, कि जैसे क्या बता सकते प्रेजेंट में, आई एम इम, सी इज इम्प्रूविंग, सी इज इम्प्रूविंग व्हाट, हम ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं इंग्लिश नहीं, मैथ्स, सी इज इम्प्रूविंग मैथ्स, मैथ मतलब क्या होगा, वो अपना मैथ सुधार सुधार रही है सुधार कर रही है, ठीक है। वही पास्ट में क्या हो जाएगा, सी वॉज, सी वॉज इम्प्रूविंग मैथ्स, इम्प्रूविंग मैथ्स, मैथ्स वो अपना मैथ सुधार रही थी। अब यहाँ पर सब चेंज करोगे तो बताया था पहला रोल क्या है, जो भी नॉन डुअल है, जो भी नॉन डुअल, ठीक, नाउन है, जो भी है ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, yes, उसको लेना है। सबसे पहले क्या लेंगे, मैथ्स, मैथ्स, ठीक। अब यहाँ पर चेंज करना है क्या, हेल्पिंग आपको, तो क्या आ जाएगा इस एम आर के साथ, बी आ जाएगा, इसी में से चेंज करना है तो वाज सब आ जाएगा, यस, ठीक है, यस सर। तो ध्यान दो, ये इसके लिए है और ये इसके लिए, तो मैथ, मैथ एक्ट लिए दस लिए है, तो इस आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, इस आएगा, साथ में क्या आएगा, बींग आएगा, वो आपको कौन सा फॉर्म आता है, इम्प्रूव, क्या होगा, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड किसके द्वारा हो रहा है, सी बाय हार्ट, तो बाय हार्ट, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाई साल देते बताया था, उसी का क्या जाता है, तो मैथ इज बीइंग इम्प्रूव्ड बाय हार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैथ्स को समझा जा रहा है, उसके द्वारा है, ठीक है, ना हिंदी बनता है इसका भी, ऐसा बातचीत तो होता नहीं है, ऐसा हो सकता है, मैथ्स इज बीइंग इम्प्रूविंग, मैथ्स को सुधारा जा रहा है, इसको अगर इंग्लिश में और ग्रामेटिकल में बाय है, तो मैथ्स को सुधारा जा रहा है, है ना। स्पोकन इंग्लिश में वॉइस का बहुत यूज होता है, बाय वाला छोड़ दो तो है ना, मैथ्स सुधार जा रहा है यार, अच्छा लग रहा है, मस्त कि कहीं स्कूल में चले गए गांव में, स्कूल क्या बच्चे देखो यार मैथ्स सुधार जा रहा है, सुधार रहा है, है ना, तो मैथ्स इज बीइंग इम्प्रूव्ड, मैथ्स सुधारा जा रहा है और सुधारा जा रहा था, तो सेम क्या देगा, मैथ्स सेम है, आवाज में बता देगा, यस सर, मैथ्स को उनके द्वारा सुधारा जा रहा था, ठीक है, और मैथ्स सुधारा जा रहा था, तो सिर्फ मैथ वॉज इम्प्रूव्ड, मैथ्स सुधारा जा रहा था, है ना, यस सर, ठीक है, यस सर। वही नेगेटिव आओगे, नेगेटिव था देगा नॉट आ जाएगा वास के साथ, मैथ सुधारा नहीं जा रहा था, है ना, इसे भी आ जाएगा नेगेटिव बन जाएगा नॉट के साथ, यस सर, नॉट लगाना तुमको, आप देखो एक आर के साथ देखते हैं, आर के साथ क्या देखते हैं, आर के साथ, चलो आचार बताओ एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस आर के साथ बताओ, वी आर लुकिंग, वी आर लुकिंग टीवी,
looking at the watching 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 we are watching TV we are watching TV हम टीवी देख रहे हैं ठीक वही पास्ट में क्या आएगा We were watching TV. हो जाएगा यस सर चलो अच्छा इसे बताओ क्या होगा टीवी वैसे टीवी टीवी आप सॉरी टीवी इज नहीं आएगा शांत रहो टीवी क्या है एपिसोड है एपिसोड आ रहा आएगा टीवी इज ठीक है तो वी आर वॉचिंग टीवी देख रहे हैं एंड टीवी इज बींग वॉच्ड बाय अस हमारे द्वारा टीवी देखा जा रहा है ठीक सर डाउन कौन सा खड़े हो चलो बताओ चलो बताओ तुम बताओ TV was being watched by us मतलब क्या होगा टीवी हमारे द्वारा देखा जा रहा है है ना तो देखा जा रहा है अगर बाय अस हटा दे तो टीवी इज बींग वॉच टीवी देखा जा रहा है टीवी देखा जा रहा है वहाँ खेला जा रहा है वहाँ दौड़ा जा रहा है कुछ बोल रहा है ना पेशवे में टीवी वॉज बींग वॉच टीवी देखा जा रहा था ठीक है इसे से हम यूज करेंगे ठीक नेगेटिव है भाई इज एम आर के साथ क्या जाएगा नॉट सेम यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव जाएगा तो नॉट ठीक है बनेगा तो ये तुम्हारा कंटिन्यूस वॉइस का ठीक है सेम अगर देखो तो सिंपल फ्यूचर देखते हैं किसका देखेंगे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर के साथ बनता है वो जैसे कि आई प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलूंगा कुछ और करते हैं जी आई विल पोस्ट लेटर मतलब क्या होगा मैं लेटर पोस्ट करूंगी ठीक है इसे जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा विल बी हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले क्या लेंगे लेटर विल बी पोस्टेड बाय मी हटा दो क्या हो जाएगा लेटर पोस्ट किया जाएगा है ना यहाँ पास हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा बोलते ना यस सर तो इसका प्रोसेस होगा यस सर है ना फिर भी साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्रिकेट खेला जाएगा ठीक है यस तो क्रिकेट विल बी प्लेड हियर देखिए तो स्पोकन में बहुत ही कुछ है यार वॉइस का है ना yes, बस तो पाइप हटा दो यस ठीक पाइप तो जोर का झटका है ना यस झटका हटा दो झटका नहीं लगेगा और पूरा अच्छा यूज कर पाओगे है ना यस तो इसका यूज करना सीखो यस तो कल सभी का ठीक टेंटेंस सेंटेंस बना बनाना और कल जितना पढ़े हो अभी तक का वॉइस का उसका पूरा स्पोकन इंग्लिश से प्रैक्टिस करेंगे कैसे इसका स्पोकन में यूज करना है तो बोलने का प्रैक्टिस करेंगे क्या करेंगे बोलने का प्रैक्टिस करेंगे।